वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बिना लहसुन प्याज का हैदराबादी आलू बैंगन की सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप कभी भी इसे चटपट तैयार कर सकते हैं। आप इसे पराठा, पूरी या राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका तड़का लेंगे। तड़के में मैंने 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों दाना और 1/2 छोटा चम्मच मैंने मेथी लिया है, 5 से 6 करी पत्ता, 2 सूखी मिर्ची और हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला बहुत ही कम लेना है, ज्यादा मसाला की आवश्यकता नहीं है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लीजिए, 1.5 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर या जैसा तीखा खाना पसंद करें, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इसको भिगो कर रख देंगे। ढककर रख दीजिए ताकि इसका एरोमा निकले ना। 2 बड़े चम्मच मैंने इमली का पानी लिया है और ये हैदराबादी सब्जी में इमली का पानी जरूर से पड़ता है। और धनिया पत्ती सजाने के लिए ये ऑप्शनल है। मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और इसको बारीक काट कर रख लीजिए। और जैसा आपको खट्टा खाना पसंद हो, टमाटर बहुत सस्ते हैं तो टमाटर की मात्रा बढ़ा लीजिए, इमली की मात्रा कम कर दीजिए। 2 बड़े आलू उबले हुए हैं और इनका मैंने छिलका निकालकर 5 से 6 टुकड़ों में काट लिया है छोटा छोटा। और 250 ग्राम मैंने बैंगन लिया है। हैदराबाद में इस तरह से छोटे छोटे बैंगन मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं और इसको एग प्लांट भी कहते हैं। यदि आपके पास छोटे बैंगन ना हो तो बड़े बैंगन को भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसको बना सकते हैं आप। और मैंने इसको एक बार धो लिया था। इसके बाद फिर से मैं इसको जब काट रही हूँ तो इसको डायरेक्ट काट कर मैं पानी में डालूंगी, नहीं तो बैंगन काले पड़ जाते हैं। इसलिए जब भी आप बैंगन काटें तो उसको डायरेक्ट पानी में डालते जाएं। और इस तरह से मेरे सारे बैंगन कट चुके हैं और इसको 2-3 मिनट के बाद पानी में से बाहर निकाल कर रख लेंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें जो तड़का है हम उसको डाल देंगे। और जब तड़का चटकने लगे यानी जब ब्राउन हो जाए तब हम इसमें करी पत्ता और सूखा मिर्चा डालेंगे। ये तड़का बहुत ही जरूरी होता है, इससे सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और जब ये देखिए पूरा ब्राउन हो गया है करी पत्ता और मिर्ची, तो इसमें मैंने हींग भी डाल दिया है। हींग डालने के बाद तुरंत मैंने टमाटर डाला है और इसको अच्छी तरह से मिला लें। और जब हम टमाटर डालते हैं, टमाटर डालने के बाद गैस को तेज कर दें और इसमें थोड़ा नमक डाल दें ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और इसको मिला लें। करीब 1/2 मिनट के बाद इसमें हम बैंगन डालेंगे और बैंगन को साथ में टमाटर साथ ही फ्राई करेंगे, जिससे टमाटर और बैंगन दोनों गल जाएंगे जल्दी से और बैंगन बहुत टेंडर भी हो जाएगा। और इसको तेज आंच पर ही इसको फ्राई करें और इसको ढक दीजिए। ढक कर हम पकाएंगे तो जल्दी से गल भी जाएगा। करीब 1 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो टमाटर तो गल गया है काफी हद तक और बैंगन भी नरम हो गया है। अब सब्जियों को थोड़ा साइड में करके जो मैंने मसाले का पेस्ट तैयार किया था इसको इस बीचों बीच डाल देंगे और थोड़ा सा पानी धोकर डाल देंगे, कटोरा साफ हो जाएगा। और इसको बिल्कुल चलाए ना, मसाले को इसी तरह से रख दें ढककर और गैस को धीमा कर दें और 1 मिनट तक रख देंगे हम ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। 1 मिनट के बाद ये देखिए मसाला बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, कलर भी चेंज हो गया है और तेल भी अलग हो गया, सेपरेट हो गया मसाले से, यानी हमारा मसाला रेडी है और बैंगन भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसी चम्मच से हम थोड़ा टमाटर और बैंगन है ना उसको दबाते जाएंगे, मसलते जाएंगे ताकि इससे इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनती है और बहुत ही टेस्टी भी हो जाती है। अब इस तरह से सब्जी को थोड़ा सा मैश करने के बाद इसमें कटा हुआ आलू डालेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। जितनी क्वांटिटी है सब्जी की मैंने सारी बताई है, उसके हिसाब से 1 कप पानी काफी है। वैसे आप आपको जैसा पसंद हो और पतला करना चाहते हैं इसकी ग्रेवी तो और थोड़ा पानी मिला लें और नमक भी थोड़ा डाल लें क्योंकि हमने उस समय नमक बहुत कम डाला था। और इसको ढककर उबलने दें, जब इसमें उबाल आ जाए तो गैस को धीमा कर दें। और अभी ये सब्जी जो है लगभग पक ही चुकी है, तब हम डालेंगे इसमें इमली का पानी सबसे अंत में डालना है। और आप
अपने स्वाद के अनुसार कितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालें इमली। एक बार सब्जी को टेस्ट करके फिर से आप इमली का पानी डाल सकते हैं और इसको फिर से हम ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे करीब 1 से 1.5 मिनट तक, ताकि अच्छे से ग्रेवी पक जाए। 1.5 मिनट बाद मैंने चेक किया है अपनी सब्जी, तो सब्जी मेरी अच्छी तरह से पक चुकी है बिल्कुल, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है जैसा मुझे चाहिए। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। आप इसमें धनिया पत्ती डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। ये सब्जी इतनी खुशबूदार होती है, इतनी एरोमेटिक होती है कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको एरोमा से ही मन ललचा जाता है इसको जल्दी से खाने के लिए, और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं इसे। और दोस्तों इसे आप पूरी पराठा रोटी के साथ सर्व करिए गर्मा गर्म, या फिर आप राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हैदराबाद में इसे प्रसाद में बनाया जाता है, क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का सब्जी है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, मुझे बहुत ही पसंद है। दोस्तों आप भी इसे अपने घर पर जरूर से ट्राई करें, और कैसा बना है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मैं जब भी नई रेसिपी का वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं।